गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों आज हम सिक्स क्लास की हिंदी की वर्कशीट सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 24 सितंबर की वर्कशीट है और वर्कशीट नंबर 3 है हमारी आज की वर्कशीट। यहाँ पर बच्चे अपने टीचर का नाम लिख यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे और यहाँ पर बच्चे अपना नाम लिखेंगे। बेटा, इस पाठ में लेखिका कृष्ण सोपती जी अपने बचपन की बातों को आप तक पहुँचाना चाहती हैं। इस पाठ की जो लेखिका हैं वो हैं कृष्णा सोपती जी। वो अपने बचपन की बातें आप तक पहुंचाना चाहती हैं। जब हम अपनी यादों को या बीती बातों को सुनाते हैं तो उसे संस्मरण कहते हैं। आओ पाठ को पढ़कर लेखिका के बचपन को जाने। देखो, जब कोई अपनी पुरानी बात या कोई याद हो, कोई बात हो, उसे बताते हैं तो उसे संस्मरण कहते हैं हिंदी में। तो लेखिका अपने बचपन की क्या बातें बताती हैं हम इसमें पढ़ेंगे। मैं तुम्हें बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूं कि तुम्हारी दीदी भी हो सकती हूं। जो लेखिका है कृष्णा सोपती जी वो कह रही है, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूं कि तुम मुझे दादी भी कह सकते हो, नानी भी कह सकते हो, बुआ भी कह सकते हो, बड़ी मौसी भी कह सकते हो, यानी कि वो अब बुज़ुर्ग हो गई हैं। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। वो बताते हैं कि मेरे परिवार में सभी मुझे जीजी कहकर बुलाते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में शाना महसूस करने लगी हूँ। वो कहती हैं कि मुझे भी लगने लगा है कि मैं अब बहुत बड़ी हो गई हूँ, उम्र में बहुत बड़ी हो गई हूँ, शायद इसलिए कि मैं पिछले शताब्दी में पैदा हुई थी। देखो बेटा, 100 साल की होती है शताब्दी, 100 साल मिलकर एक शताब्दी में बनाते हैं। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। मेरे पहनने ओढ़ने का ढंग भी बदल गया है। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, नीला, जामुनी, ग्रे, चॉकलेटी, मुझे ये कलर पसंद थे। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनूं, गहरे रंग का नहीं, हल्के रंग का पहनूं। मैंने पिछले दशकों में, दशक होते हैं 10 साल से एक दशक बनता है, पिछले दशकों में मैंने तरह तरह की पोशाकें पहनी। पहले फ्रॉक, फिर निकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और चूड़ीदार, और अब क्या पहनती हैं वो, चूड़ीदार, घेरदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब भी याद हैं। वो बोलती हैं कि बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, उनके पास एक हल्की नीली और पीली धारी का एक फ्रॉक हुआ करता था, जिसके कॉलर गोल थे और बाजू पर भी गोल कफ थे। देखो, जो उठी उठी बाजू होती हैं फ्रॉक की, आपने देखी होंगी, उन्हें कफ वाली बाजू बोलते हैं। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, एक हल्के गुलाबी रंग का, उनके पास बारीक चुन्नटें भरी होती हैं, ऐसा फ्रॉक था जिसके नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल यानी झालर लगी हुई थी। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन लगाने का चलन था। उन दिनों ऊपर फ्रॉक की ऊपर वाली जेब में क्या रुमाल रखते थे और बालों में रंग बिरंगे रिबन लगाने का शौक था, चलन था उन दिनों। फैशन जैसे बदलता रहता है, तो उन दिनों ये फैशन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला फ्रॉक, एक वो चुन्नटे वाला पिंक कलर का फ्रॉक हो गया उनके पास गुलाबी रंग का, एक बड़ी बड़ी प्लेटों वाला उनके पास किस कलर का, लेमन कलर का एक फ्रॉक था जिसके नीचे फर टंकी थी। दो ट्यूनिक भी याद हैं उन्हें, एक चॉकलेट रंग का था जिसकी अंदर की कोटी प्याजी थी और दूसरी ग्रे कलर का था, ग्रे मतलब सलेटी कलर का, जिसके साथ सफ़ेद कोटी थी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग्स भी याद हैं, बताती हैं, मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग्स भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। यानी कि नौकर नौकरानी बाकी सारा काम करते थे, लेकिन उन्हें मोजे धोने के लिए सख्त मना किया जाता था कि अपने मोजे सबको खुद धोने हैं घर में। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते थे, हम सारे बच्चे इतवार की सुबह यही काम करते थे। धो लेने के बाद जूते पॉलिश करके चमकाते थे। पहले जूते धोते थे, शूज और मोजे धोते थे। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते थे तो पॉलिश की चमक उभरने लगती थी। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना पसंद अच्छा लगता है। हमारी लेखिका को आज भी बूट पॉलिश करना पसंद है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ गए हैं, नई नई किस्म के जूते आ गए हैं, कहना होगा कि पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। देखो, आजकल महंगे आप शूज़ लोगे तो वो आपको छाले भी नहीं पड़ाएंगे, कितना भी चल लो। तो आजकल हर क्वालिटी के शूज़ आ गए हैं मार्केट में। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज भी शुरू हो जाता। जब नए जूते आते थे, पहले जब लेखिका बचपन की बात बताती हैं, तो छाले का इलाज भी शुरू हो जाता था। जब कभी भी लंबी सैर पर निकलते थे
तो अपने पास रुई जरूर रखते थे, जूता लगा तो रुई में मोजे के अंदर उन्होंने वो क्या करती थी, रुई डाल लेती थी। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में बहुत फ़र्क हो चुका है। वो कहती हैं कि हाँ, तुम्हारे और हमारे बचपन में बहुत फ़र्क हो चुका है। हम शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। ये एक मुश्किल काम था। शनिचर की सुबह से ही नाक में गंद आने लगती थी, क्योंकि जो कैस्टर ऑयल है उसमें थोड़ी गंद आती है। छोटे शीशे के गिलास में जिन पर ठीक खुराक के निशान लगे थे, एक गिलास था जिस पर ठीक खुराक के निशान लगे थे कि यहाँ बड़ों के लिए, छोटों के लिए, उसे देखते ही मितली होनी शुरू हो जाती थी। मितली मतलब उल्टी आनी शुरू हो जाती थी। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम उसे ना पीते शनिवारी दवा को, तो कुछ हमारा ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। हम सेहतमंद ही रहते। अब नए शब्दों से परिचय करेंगे। शाना मतलब समझदार, शताब्दी मतलब 100 वर्षों का समूह, दशक 10 वर्षों का समूह, मीतली उल्टी, खुराक, दवा, पोशाकें, कपड़े। तो आपको ये नए शब्द पता चले। अब हम प्रश्न उत्तर करेंगे। लेखिका इतवार की सुबह क्या काम करती थी? देखो, इतवार की सुबह लेखिका अपने मोजे, धोती और जूतों को पॉलिश करती थी। पाठ में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हुआ, जैसे ग्रे, चॉकलेटी। पाठ में आए शब्दों को छांट कर लिखिए। देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, स्टॉकिंग्स, पॉलिश, कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल, ग्रे, स्कर्ट, निकर, वॉकर, कलर, लेमन शू। ये इसमें अंग्रेजी के शब्द आए हैं। लेखिका ने पिछले दशकों में किस तरह तरह की पोशाक पहनी? देखिए, लेखिका ने पिछले दशकों में फ्रॉक, निकर, वॉकर, लहंगा, गरारा, स्कर्ट, ये सब पहने। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 को, छुट्टी के दिन आप अपने घर में क्या करते हैं? लिखिए या चित्र बनाइए। देखिए, छुट्टी के दिन, यहाँ के दो बार लिखा हो बेटा, आपको एक बार लिखना है। छुट्टी के दिन, ये हम इसको ऐसे करके क्रॉस कर देते हैं। छुट्टी के दिन हम घर में खूब मस्ती करते हैं। उसके साथ साथ मम्मी पापा का काम में हाथ बटाते हैं, पौधों को पानी देते हैं और घर की साफ़ सफाई में हाथ बटाते हैं। बच्चों, आप घर में छुट्टी वाले दिन क्या क्या मस्ती करते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो आप ये भी लिख सकते हो, और आप जो काम करते हो वो भी लिख सकते हो। आप चित्र भी बना सकते हो खेलने कूदने का, साफ सफाई करते हुए, जो आपको ठीक लगे आप उसको करिएगा। अब अंतिम क्वेश्चन है, प्रश्न 5, दार प्रत्यय लगाकर शब्द बनाओ, जैसे घेरदार, चूड़ीदार। देखो, प्रत्यय होता है जो शब्द के बाद में मिलकर एक मीनिंगफुल, यानी कि जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, ऐसा शब्द बनाए। जैसे कि यहाँ पर घेरदार है, चूड़ीदार है, तो हमें तीन बनाने हैं। तो मैंने बनाए हैं जोरदार, मज़ेदार और धुआंदार। तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने खूब एंजॉय लेके इसे सोल्व भी किया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो बेटा लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को।